सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आयकन। विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आज नववीच्या तिसऱ्या पाठाचे वाचन घेणार आहोत, त्याला समजून घेणार आहोत। तिसरा पाठ आहे पाळण्यातले पाय, यानी पालने में के पैर। राजा मंगळ वेडेकर, किसने लिखा है ये? राजा मंगळ वेडेकर ने लिखा है। बाल साहित्यकार, यानी वो बच्चों का साहित्य लिखते हैं, मजमून लिखते हैं, मजामिन लिखते हैं। चरित्रकार बायोग्राफी लिखने वाले। कवि यानी कि शायर, गम्मत जम्मत, चॉकलेट चबंगा, अगड़े बागड़े, बाळासाठी गानीच गानी, बच्चों के लिए गाने ही गाने, आभाळ मित्र, भाग एक आणि भाग दोन, तेनाली रामाच्या चतुर्य कथा इत्यादि पुस्तकें। तेनाली रामा की जो होशियारी है, उसकी कथा के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी है। हर लेले आभाळ, झाडांची गाणी, झाडांच्या गोष्टी हे ललित निबंध ग्रह प्रसिद्ध, ये दो मजामीन के मजमूए लिखे गए हैं जो बच्चों के होते हैं। ललित निबंध यानी बच्चों के लिए लिखे गए छोटे मजामीन। हर लेले आभाळ यानी खोया हुआ आसमान, झाडांची गाणी, झाडांची गोष्टी। न्यूटनच्या बालपणाची चौकसपणाची चुणूक दाखवणारे अनेक प्रसंग प्रस्तुत पाठात वर्णन केले आहेत। यानी न्यूटन के बचपन की बहुत सारे जो वाक़यात है, उसमें से उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं सबक की। एका नदीच्या काठी एक लहान से घर होते। एक नदी के किनारे एक छोटा सा घर था। त्या घरात आयझक हा मुलगा आणि त्याची म्हातारी आजी राहत होती। आजी यानी दादी को कहते हैं। उस घर में आयझक ये लड़का और उसकी म्हातारी यानी बूढ़ी दादी रहती थी। मुलगा मोटा चतुर आणि बोलका होता। लड़का बहुत ज़्यादा होशियार और बड़बड़ करने वाला बातूनी था। बोलका बातूनी, ज़्यादा बातें करने वाला। तो दिवसभर आपल्या म्हाताऱ्या आजीला हेच का, तेच का, असेच का, तसेच का, असे नाना प्रश्न विचारून भंडावून सोडी। वो अक्सर अपनी दादी को सवालात करता, ये क्या, वो क्या, ऐसा ही क्या, वैसा ही क्या, और वो परेशान करके छोड़ता। भंडावून सोडी यानी परेशान करके छोड़ता। रोज आजूबाजूला दिसणाऱ्या गोष्टी, रोजाना खरबो जवार में आजूबाजू दिखने वाली चीज़ें। अब देखिए, गोष्ट के मायने खिस्सा भी होता है, यहाँ पर गोष्ठी के मायने चीज़ें हैं। होनारा घड़ामोड़ी, होने वाले जो वाक़यात है, घड़ामोड़ी आमतौर पर ये वाक़यात के लिए कहा जाता है। या सारे बदल से एक विशेष कुतूहल या मुलामध्य जागी हुई। इन तमाम चीज़ों के बारे में कि एक खसूसियत इस बच्चे में जाग जाती थी। म्हणूनच पाऊस पडू लागला कि हा विचारी आजी है पाणी कुठून येते ग। अगर बारिश होने लगी तो वो अपनी दादी से पूछता, क्या दादी जान ये पानी कहाँ से आता है। जोरदार वाऱ्याने घरच्या खिडक्या वाजू लागल्या कि हा विचारी आजारी वारा कुठे राहतो ग। जोरदार हवा से खिडकियाँ बजने लगी तो दादी से पूछता कि ये हवा कहाँ पर रहती है। नदीत टाकलेल्या कागदाचा कपटा, चिंधी, गवताची काडी, पाण्याबरोबर चाललेली पाहिली कि हा विचारी आजी नदीच्या पाण्याबरोबर हे पदार्थ वाहत का जातात। नदी में फेंके गए अगर कागज़ का कोई टुकड़ा रहा, चिंदी रही, या फिर घास का टुकड़ा, गवत यानी घास, अगर वो पानी में फेंक दिए और वो पाण्याचा बरोबर है पदार्थ चीज़ें वाहत का जाता, यानी बहकर कहाँ जाती है, वाहत वाहने। एक वाहन के मायने वो भी होते हैं जिसके मायने किसी गाड़ी के होते हैं, लेकिन ये वाहत यानी बहना। म्हातारी आजी सांगता, ये तेवढे सांग त्याला सांगे, बूढ़ी दादी जितना कहते आता उतना कहती, पन कधी कधी तिला ही माहित नसे, बाज औकात उसे भी नहीं पता होता। अशा वेळी ती तरी काय सांगणार त्याला, ऐसे वक्त में वो उसे क्या कहती, मग काहीतरी सांगून ती वेळ मारून जाय नाही तर कधी गप बसून राही। तो उस वक्त क्या करती वो, या कुछ तो भी बोलकर छूट जाती या फिर खामोश बैठा करती। पण या मुलाला मात्र चैन पडत नसे, लेकिन इस लड़के को चैन नहीं होता था। त्याच्या शंकेचे बरोबर उत्तर मिळाल्याशिवाय त्याला समाधान लाभत नसे। उसके शंका यानी शक के जवाब मिलने से के बगैर वो खामोश नहीं बैठता, उसे चैन नहीं आता। समाधान लाभत असे यानी खामोश नहीं बैठना या चैन से नहीं बैठना। त्यासाठी तो मग शेजार पाजाऱ्याकडे जाऊन प्रश्न विचारत बसे। इसलिए वो
शेजारी पाजारी, शेजार यानी पड़ोसियों के पास वो जाकर लोगों को सवालात करते बैठता। कभी कभी तासन तास आभाड़ा कड़े टक लाउन बसे। कई कई मरतबा वो क्या करता, आसमान की तरफ एक नज़र लगाकर बैठा करता। तर कभी नदी किनारा तहान भूख विसरून जाई, कभी नदी के किनारे वो भूख वगैरह सब भूल जाता। एके दिवशी तो असाच खड़कावर नदीच्या पाण्यात पाय सोडून बसला होता। एक दिन ऐसे ही खड़क पर वो नदी के किनारे बैठा था। खड़क यानी चट्टान को कहते हैं। घरात म्हातारी आजी जात्यावर धान्य दड़त होती और घर में बूढ़ी दादी धान्य अनाज दड़त यानी पीस रही थी। जात्याचा घर घर आवाज़ एकून येत होती। अब वो जो चक्की होती है उसे जाता कहते हैं, यानी पुराने ज़माने में हाथ से पीसने के लिए जो मुसली होती थी, यानी एक किस्म की चक्की होती थी, उसमें अनाज पीसा जाता था, उसे जात्या कहते हैं। मुलाजे कांत्या फिरत्या जात्याच्या आवाजाकडे नी डोळे वाहत्या पाण्याकडे होते। उस लड़के का कान जो था वो उस चक्की की आवाज़ पर था, जबकि उसकी नज़रें बहते हुए पानी पर थी। चटकन त्याच्या मनात आले। अचानक उसके जहन में ख्याल आया, हे पानी दगड गोट्यांनी आपल्या बरोबर वाहून नेत आहे। ये पानी दगड यानी पत्थर और छोटे छोटे टुकड़े, गोटे यानी गोल गोल पत्थर, ये अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। एवढी शक्ती जर या वाहत्या पाण्यात आहे तर मग याच्याकडून आणखी काही काम का करून घेऊ नये। अगर इसमें इतनी ताकत शक्ती यानी ताकत वाहत्या पाण्यामध्ये यानी पाहते हुए पानी में है तो इससे कोई काम क्यों नहीं करके लेना चाहिए। ठरलेच मनाशी निर्णय पक्का झाला। अचानक ये ख्याल उसके जहन में आया, उसने इसे तय कर लिया। तो उठला, घरी गेला, उठकर घर गया। त्याने अपनी पुरचुंडी काढली, उसने अपनी पुरचुंडी यानी जिसमें वो बहुत सारा सामान रखा करता था, एक किस्म का थैला, आजी ने वेगवेगळ्या खाऊसाठी दिलेली पैसे टकाटकसरीने खर्च करून त्याने ही पूंजी जमा केली होती। अभी उसने क्या किया था, उसमें गल्ले में बहुत सारे जो दादी ने पैसे दिए थे खाऊसाठी यानी जेब खर्च के पैसे, वो उसने वहाँ पर पूंजी जमा किया था। त्या पैशातून त्याने काही वस्तू खरीदी केल्या और उस पैसे से उसने कुछ चीज़ें खरीदी। नदी किनारी खड़कावर बसूनच त्याने एक चक्र तैयार केले। नदी के पास ही बैठकर उसने एक चक्र यानी चक्का तैयार किया। ते चक्र त्याने एका सड़ाईला जोड़ले और उसने वो चक्का जो है एक सलाख को, एक सड़ाई को जोड़ा। सलाख एक किस्म की लोहे की लंबी लकड़ी की तरह एक सलाख होती है, उसे कहते हैं। पाण्याचा जोराने लोहे की छड़ को भी कहते हैं। पाण्याचा जोराने चक्र फिरेल अशी रीतीने ती त्याने प्रवाहाजवळ बसवली। पानी के जोर से वो एक तरफ फिरेंगी चलेंगी, ये उसने उसके किनारे बिठा दिया, लगा दिया। पाण्याच्या प्रवाहाने चक्र फिरू लागले। पानी की ताकत से वो चक्का घूमने लगा, तशी सड़ई ही फिरू लागली। उसके बाद में वो सड़ई जो थी, जो उसको लगाई हुई थी, वो भी फिरने लगी। फिर तो चक्र पाहून त्या मुलाला एवढा आनंद झाला और उस घूमते हुए चक्के को देखकर उस लड़के को बहुत खुशी हुई कि तो धावत धावतच घरी आजीकडे गेला आणि म्हणाला। वो भागते हुए अपनी दादी के पास गया और कहने लगा, आजी आजी माझे फिरते चक्र पाहायला चल, दादी दादी मेरा घूमता हुआ चक्का देखने के लिए चलो। आजी त्याचा बरोबर गेली और दादीजान उसके साथ में गई, पण तेवढ्यात त्याच्या मित्रांनी चक्र मोडून तोडून टाकले होते। उस वक्त तक उसके दोस्तों ने वो जो चक्का था उसे तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया था, कारण तो एकटाच काहीतरी करत बसलेला पाहून ते त्याच्यावर चिडले होते। वो अकेला कुछ तो भी काम कर रहा था, ये देखकर वो सब चिढ़ गए थे। तो राग त्याने असा काढला होता और वो गुस्सा, राग यानी गुस्सा, उसके दोस्तों ने ऐसा निकाला था, तिथे काहीच नाही, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। पाहून आजीला ही मुलाचा राग आला। दादी को ये देखकर बहुत अपने पोते का गुस्सा आया। त्याचे असलेले तारे वाईक बोलने ने वागने तिला ही पसंद न होते। उसका ये इस तरीके से बोलना भी उन्हें पसंद नहीं था। शेवटी मुलाने नीट शिकवावे विसरा वी शिकावे सवरावे
आखिरकार बच्चे ने खूब अच्छी तरीके से नीट यानी बेहतर तरीके से शिकावे यानी सीखना चाहिए, सवराइए सवरावे यानी सवरना चाहिए, म्हणून त्या त्याला दुसऱ्या एका गावाच्या शाळेत ठेवले, तो इसीलिए उसे दूसरे गांव के स्कूल में मदरसे में डाला गया। ये वीडियो आपका पहला वीडियो था, इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम हाज़िर होंगे, और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।